Hey everyone, कैसे सारे? आई होप अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज हम बात करेंगे क्लाउड प्रैक्टिशनर कुछ रिसोर्सेज की। सो जो मेरी पहली वीडियो थी जिसमें मैंने बताया था कि मैंने क्या क्या चीज़ें फॉलो करी, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, वो वीडियो में थोड़ा अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया, 2-3 लोगों ने मुझसे कंसल्ट भी करा। सो मैंने सोचा क्यों ना एक और वीडियो डाल के इसे एज अ प्लेलिस्ट पूरी हम बना के अपने यूट्यूब पे डाल दें। सो या तो आज हम बात करेंगे उस सारे रिसोर्सेज की जो मैंने पर्सनली फॉलो करे एंड जो मैंने रिग्रेट करे कि उस चीज़ को मैंने फॉलो नहीं करा, उस चीज़ को भी हम इसमें लेंगे एंड पूरा डिस्कस करेंगे। सो आप इस वीडियो का एंड तक देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं कि जो क्लाउड प्रैक्टिशनर का A to Z पूरा कोर्स है ये हमें कौन पढ़ा सकता है। पेड वर्जन यूडेमी एंड बहुत जगह पर है, आप ले सकते हो, बाय कर सकते हो अगर आपका पैसा है। अगर आपके पास नहीं है देन यू कैन ट्राई सर्च ऑन यूट्यूब। इसके अंदर आपका पहला कोर्स आता है फ्री कोड कैंप का, विच इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, बट मैं इसे 3 नंबर पर रखूंगा क्योंकि इसके अंदर थियोरेटिकली बहुत कुछ दिया हुआ है डेप्थ में, प्रैक्टिकली भी बहुत कुछ दिया हुआ है जो इस वीडियो को 13 आवर्स का बना देता है। जैसे कि उन्होंने EC2 instance बना के दिखाया, पूरा नेटवर्किंग करके दिखाई, विच इज बहुत लंबा। सेकेंड, उसके अंदर थियोरेटिकली बहुत इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहले 1 आवर में आपको पूरा अमेजोन के बारे में बताया, विच इज बहुत कम आता है उसमें से एग्जाम के अंदर। सेकंड नंबर पे आता है क्लाउड गुरु, क्योंकि यार उनका फ्री वर्जन तो पूरा लेक्चर आपका निकल जाएगा, विच इज शॉर्ट भी है एंड क्रिस्प भी है बहुत, बट इसके अंदर आपको ये दिक्कत आएगी कि आप इसके अंदर अपना टेस्ट नहीं दे सकते, विच इज ओनली 1 फ्री टेस्ट मिलेगा आपको, बाकी सारे आपको पेड टेस्ट मिलेंगे। प्लस इसके अंदर एक और कमी है, विच इज आपको अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब के अंदर आप पूरी एक वीडियो देख सकते हो, बट वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह जाना पड़ेगा। एंड एक अच्छी बात भी है कि वो आपको A to Z हर चीज सिखा देंगे, बट वो चीज रिपीटेटिव भी होती है बहुत बार। सो या आपको सेकेंड नंबर पर मैं इसलिए क्लाउड गुरु को रख रहा हूँ। फर्स्ट पे मैं दूंगा Amazon के स्किल बिल्डर को। मैंने उसे पर्सनली बोलूँ मैंने पढ़ा नहीं, 14 hours का पूरा कोर्स है, बट AWS के थ्रू है तो भाई AWS के थ्रू वो अच्छा ही होगा। सो यू कैन गो थ्रू इट। नोट्स भाई आपको हाथों से बनाओ, कॉपी पेन लेके बनाओ, लैपटॉप में बनाओ, कहीं भी बनाओ, बट नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी पूरी 2 copies भर चुकी है नोट्स से, मैं पर्सनली बताऊं तो, क्योंकि मैंने पहले कॉपी में नोट्स बनाए, दूसरे कॉपी में क्वेश्चन एंड उसके आंसर्स, उसके अलग नोट्स बने। एक और चीज आपको याद रखनी है, जब आप पढ़ रहे होंगे ना उसे, आपको ऐसा लगेगा कि यार इसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो साइड बाय साइड ना आप छोटे मोटे जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो आप टेस्ट के ले सकते हो अपना, जैसे EC2 instance क्वेश्चन आंसर या इंटरव्यू क्वेश्चन ऐसे करके आप डाल सकते हो। सो उससे क्या होगा, आपका बेसिक टेस्ट हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो सही चीज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। मेरे पर्सनली अंदर रहता था कि भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे, देन मैंने एक बहुत ही टफ वाला एग्जाम उठा दिया था जहाँ से मेरे को बिल्कुल ऐसा डीमोटिवेशन से आ गई थी। सो डीमोटिवेट मत होना, बट ये आपको पढ़ना भी पड़ेगा, सीखना भी पड़ेगा कैसे आपको टेस्ट देना है। सो ये तो हो गया ओवरऑल रिसोर्सेज की। जो हमारा सेकेंड पॉइंट आता है वो आता है कि यार जो क्वेश्चन और आंसर जो मैंने अभी बताया वो कैसे हम फॉलो कर सकते हैं, कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो पहला एक यूट्यूब के अंदर चैनल है जो आपको पूरी एक प्लेलिस्ट बना के देता है जहां पर आपको क्वेश्चन एंड आंसर उसके मिलेंगे। सो आप क्या कर सकते हो, जब वो क्वेश्चन रीड करेंगे तो आप पॉज करके उसका आंसर दे सकते हो। एंड मैं पर्सनली बोलूँ वो बहुत ही ईजी एंड सिंपल क्वेश्चन होते हैं। सो जो आपने बेसिक पढ़ा होगा वो आपको ईजिली आ जाएगा। सो प्लीज प्रैक्टिस। चैनल का नाम है क्लाउड गुरु अमित एंड प्लेलिस्ट की जो मैं लिंक है वो नीचे दे दूंगा। सेकेंड आती है एक वेबसाइट विजलैब करके, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। वहां पर वो 30 questions देते हैं जिसके आंसर्स भी आपको वहां मिल जाएंगे। सो इजिली आप उसका टेस्ट दे सकते हो। सो एक डिफरेंट क्वेश्चन आंसर वाला बेस जो आपका क्रिएट होता रहेगा, साइड बाय साइड आपकी नोट टेकिंग भी होती रहेगी इन क्वेश्चंस और आंसर जो आपके गलत हो रहे हैं, जो आपको नहीं आ रहे उसको भी अपने नोट्स में एज अ पॉइंट या फिर की पॉइंट ऐड कर लेना, विच इज अ वेरी गुड थिंग, जो आपको हेल्प करेगा एट द एंड रिविजन के टाइम। थर्ड चीज आती है, यार भाई हमने ये सब तो पढ़ लिया बट हम पेपर के अंदर जब बैठेंगे तो हम पेपर कैसे दें, क्या वो टाइम सफिशियंट रहेगा हमारे लिए, इतने सारे क्वेश्चंस करने होंगे, इतने सारे आंसर्स होंगे, सॉल्यूशन कैसे ढूंढना पड़ेगा, कैसे कैसे पेपर का पैटर्न रहेगा हमारा, वो सब आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स रहेंगे आई नो। तब हम अब करेंगे पूरा एक सैम्पल पेपर विच इज फ्रॉम AWS Boy, बहुत ही अच्छी मैं बोलूँगा वेबसाइट है। मैंने इनके पेपर करे थे एंड मैंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी फेस करे, बहुत ईजी क्वेश्चन भी फेस करे, बट मैं पहले बता दूँ इनके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो थोड़े डिफिकल्ट होंगे, जितना मेरे पेपर में आया था वो थोड़ा ईजी आया था। लाइक मान लो अगर आपके पास 70 questions उसमें से 5 questions आपके टफ आते हैं, 70 easy आते हैं। अब ईजी में ये सब मतलब ले लेना कि बिल्कुल ईजी, बट यू नीड टू प्रैक्टिस और ईजी या सिंपल रहते हैं वो। दूसरी साइड आती है एग्जाम टॉपिक्स, जिसके अंदर आपको फ्री सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, आप उसका एक सैम्पल पेपर जरूर करना ट्राई, वो भी एक अच्छी साइट रहेगी आपके लिए जहां पर आपको होल पैकेज मिल जाएगा पूरे क्वेश्चन एंड आंसर्स का। सो या दैट्स इट, इतना ही रहता है, इतना कोई टफ एग्जाम नहीं है, बट इट डिपेंड्स कि बंदा कैसे पढ़ रहा है
और जितने ही मैंने लोगों से मिला हूँ अभी, 2-3 लोगों ने मुझे पर्सनली डीएम करा है कि भैया मुझे हेल्प कर दो। सो मैंने उनकी जब हेल्प करी और उन्होंने मेरे को जो अपना रिजल्ट बताया, विच इज दे आर वेरी गुड एंड वो पास कर गए। सो इतना डरने की बात नहीं है, बट हाँ यू नीड टू स्टडी। मैंने जो पढ़ा इतना कुछ वो मेरे को अभी भी याद है एंड मैं इजिली कोई भी चीज़ आपको बता सकता हूँ, कोई भी चीज़ कर सकता हूँ। देखो आपने टेस्ट दे दिया, आप पास हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप पास नहीं भी हुए कोई बात नहीं, आप दोबारा दो टेस्ट, एंड अगर आपके पास लर्निंग्स है यार आप कर सकते हो, ईजी टेस्ट होगा, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने टेस्ट दे दिया देन आप प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए AWS एजुकेट के जहाँ जा सकते हो, साइट बहुत अच्छी है, वहाँ जाओ, लॉगिन करो एंड वहाँ पर S3 ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, EC2 इंस्टेंस कैसे बनाते हैं। अगर आप डिटेल में उनकी वीडियो लेक्चर्स भी देखोगे ना, आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगी एंड वो डिटेल में आपको सब कुछ समझाते हैं। सो यू कैन गो थ्रू दैट एंड बहुत ही सही वेबसाइट है, मैंने प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखा है वहाँ से एंड अभी भी मैं करंटली बैचेस लेते रहता हूँ। यू कैन गेट दैट। ऑल राइट, कैसी लगी वीडियो? आई होप अच्छी लगी होगी। इतनी ही वीडियो है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है। एंड अगर आपको AWS एजुकेट के बारे में और बताना है या सीखना है, सो यू कैन कमेंट डाउन, मैं बता दूंगा, अगली वीडियो में लेकर आ जाऊंगा एंड पूरा एक क्लाउड प्रैक्टिशनर का एक बड़ा सा प्लेलिस्ट बना दूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।